सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे, किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन व्यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे विक्रय कर अतिरिक्त धन उपार्जन था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने एक घर के आंगन में एक छोटा सा दड़बा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। बोर होने पर जब उन्होंने दड़बे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जौहरी के पास बेच आया। अगले दिन फिर उन्होंने दड़बे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है। वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। किसान अपनी जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों ना हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल ले? इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतना धनवान हो जाएंगे कि हमारे साथ पुष्टि आराम का जीवन व्यतीत करेगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ कर आया। उसने मुर्गी को मार कर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वह बाजार गया और वहां से एक बड़ा चाकू खरीद लाया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वह मुर्गियों के दड़बे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया। किंतु मुर्गी भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। सीख: